वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन एबीसी क्लासेस ऑनलाइन। तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने, फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कवर किया था। इसमें हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से मैच्योर पॉलन ग्रेन से फूल के अंदर बनते हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कितने लेयर से मिलकर बना होता है, ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सारी बातें हम लोगों ने क्लियर की थी कि बाहरी लेयर को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस देयर इज अ लेयर व्हिच इज नोन एज एंडोथेलियम, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम लोग मिडिल लेयर कहते थे। और तीनों के बारे में, तीनों के फंक्शन के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। और ये भी जाना था कि जो कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है उसको हम लोग स्टोमियम कहते हैं, और डेसेंस ऑफ एंथर यानी पॉलन ग्रेन्स का बस्ट होना वो स्टोमियम के रीजन से ही होता है, क्योंकि कंस्ट्रिक्टेड एरिया जो होता है वो वीकेस्ट एरिया होता है, इसीलिए पॉलन को उस तरफ से निकलने में आसानी होती है। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लियर किया था। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे आज बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग कैपिटम के बारे में जाने थे कि जो स्पोरोजेनस जो अंदर का जो पार्ट होता है यानी कि स्पोर शैक जो होता है, मैंने कहा था कि स्पोर सैक के चारों तरफ एक लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटम, ठीक है। तो उस कैपिटम को अगर हम अलग करके पढ़े, उस स्पोर सैक को अगर हम बाहर निकालें तो क्या हो, तो ये मान लीजिए कि स्पोर सैक है, तो हमको दिख रहा है कि स्पोर सैक में बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए हैं, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक कैपिटम का लेयर है। तो ये स्पोर सैक जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख रहा है बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर पे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है इसका काम क्या होता है, तो ये दो चीज़ों को एक साथ सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट एंजाइम एंड हार्मोन बोथ। और इसी स्ट्रक्चर को जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को जो है सिक्रीट कर रहा है, दिस इज नॉन एज यूबिश बॉडी, ठीक है। तो यूबिश बॉडी से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्राय क्वेश्चन आता है कि यूबिश बॉडी क्या होता है। तो द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द पॉलन सैक सिक्रीट बोथ हार्मोन एंड एंजाइम व्हिच इज नोन एज यूबिश बॉडी, ठीक है। तो यूबिश बॉडी क्या करता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करता है। अब इस यूबिश बॉडी का काम क्या है, तो यूबिश बॉडी क्या करता है, ये पॉलन का, पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है उसको बनाने का काम करता है। और पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर को हम लोग एग्जाइम करते हैं, जो अभी तुरंत हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलन ग्रेन किस किस लेयर से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले आप क्लियर कर दें फिर से एक बार कि हम लोग अगर स्पोर सैक को बाहर निकाल कर देखें, उस स्ट्रक्चर को देखें, तो स्पोर सैक हमें एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। ये स्पोर सैक की मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो है ये दो चीज़ों को कर एक साथ रिलीज करती है, दैट इज हार्मोन एंड एंजाइम, और इसको हम लोग कंबाइनली यूबिश बॉडी करते हैं। यूबिश बॉडी का क्या काम है, तो यूबिश बॉडी परफॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स व्हिच इज नोन एज एंजाइम, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब पॉलन ग्रेन होता क्या है, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर की खासियत है, तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये तो क्लियर है कि ये मेल गैमेटोफाइट है और ये इसका फर्स्ट सेल है, ठीक है। और ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, एक सेल का बना हुआ है, और कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो दिस इज यूनिसेलुलर एंड हैप्लॉइड, कैसा शेप का होता है, सब कुछ शेप दिख रहा है, इट इज स्फेरिकल इन शेप, इसका साइज कितना होता है, तो ये प्राय 25 to 50 μm माइक्रोमीटर डायमीटर इसका होता है। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन मायोसिस किसका होता है, माइसोस किसका होता है, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है, माइसोस किसका होता है, और लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन फैमिली कुकुरबिटेसी के जितने भी फ्लावर हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा बड़े पॉलन ग्रेन, लंबे पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये आपको बाहर दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, डिसकंटिन्यूअस लेयर दिख रहा है, ये लेयर बीच से टूटी टूटी हुई है, यानी कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। तो आउटर मोस्ट लेयर इज डिसकंटिन्यूअस लेयर व्हिच इज नो
डिजाइन। तो पॉलन ग्रेन का जो बाहरी आवरण होता है, पॉलन ग्रेन की जो बाहरी परत होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी वो बीच बीच से टूटी हुई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाइम बोलते हैं। अब अंदर की तरफ देखिए, ये है कंटिन्यूअस लेयर जिसको हम लोग कहते हैं इंटाइम, क्लियर। तो जर्म और ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप दिख रहा है आपको एग्जाइम के बीचों बीच हर जगह जो डिसकंटिन्यूअस जगह आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज जर्म पोर। इसको जर्म पोर क्यों कहते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन इसी पॉइंट से होता है, इसीलिए इसको हम लोग जर्म पोर कहते हैं, क्लियर हुआ। तो किसी भी पॉलन ग्रेन का जो है वो किस कितने भाग कितने पार्ट से वो मिलकर बना होता है, दो पार्ट से। बाहरी लेयर को हम लोग एग्जाइम कहते हैं, विच इज डिसकंटिन्यूअस लेयर, वेयर एज द इनर मोस्ट लेयर इज कंटिन्यूअस लेयर विच इज नोन एज इन टाइम। द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जाइम इज नोन एज जर्म पोर बिकॉज पोलर ट्यूब और द पॉलन ट्यूब एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पोर्शन, सो इट इज नोन एज जर्म पोर। ठीक है, क्लियर। तो अब एग्जाइम क्या है, इन टाइम क्या है और जर्म पोर क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो एग्जाइम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। एग्जाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने की है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछले साल नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि एग्जाइम किस प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो एग्जाइम जो है वो स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन से बना होता है। ये स्पोरोपोलेनिन की यूनिक बात ये होती है कि ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट रेसिस्टेंट प्रोटीन इसे माना गया है, जो इसे यूनिक बनाता है। ठीक है, फिर से एक बार, तो एग्जाइम जो होता है वो एग्जाइम जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन से मिलकर प्रोटीन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेसिस्टेंट प्रोटीन ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा तापमान को, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को, बहुत कम टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है, एडवर्स कंडीशन को भी ये टॉलरेट कर सकता है। यही कारण है कि एक बार अगर डिहिसेंस ऑफ एंसर हो जाता है तो पॉलन ग्रेन्स हजारों वर्ष, सौ वर्ष तक भी अपने आप को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, यानी कि अगर 100 वर्ष के बाद भी उसे फेवरेबल कंडीशन मिले तो वो जर्मिनेट कर सकता है। तो ये यूनिक पॉइंट उसे किसने दिया, तो उसे स्पोरोपोलेनिन ने दिया। क्योंकि आप अब देख रहे हो कि ये एग्जाइम के ऊपर ये रेड रेड कलर का मैंने दिया है, ये स्पोरोपोलेनिन का परत जमा रहता है, परत से ये जो है परत का डिपोजिशन होता है। तो स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होने के कारण ये जो है एडवर्स कंडीशन में भी पॉलन ग्रेन को बचाए रखता है, पॉलन ग्रेन को क्या करता है, जिंदा रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज इन टाइम। इन टाइम क्या है, इन टाइम भी दो चीज़ों से, देखिए दोनों चीज किस चीज़ से मिलकर बना होता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इन टाइम किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इन टाइम इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टीन। इन टाइम का काम क्या है, इन टाइम क्या करेगा, इन टाइम फ्यूचर पॉलन ट्यूब को बनाएगा। पॉलन ट्यूब का क्या काम है, पॉलन ट्यूब मेल न्यूक्लियस को कैरी करता है, पॉलन ट्यूब मेल न्यूक्लियस को कैरी करके फीमेल न्यूक्लियस तक पहुंचाएगा। इसकी सारी कहानी हम लोग आगे जानेंगे, अभी आप लोग इतना जानिए इन टाइम जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है और इसका काम होता है पॉलन ट्यूब को बनाना। यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ से पॉलन ट्यूब, यही इन टाइम जो है एक्सक्लूडेड कर जाता है और पॉलन ट्यूब में कंटिन्यू करता है। ठीक है, अब है जर्म पोर। तो जितने भी डिसकंटिन्यूअस लेयर आपको दिख रहे हैं, दैट इज जर्म पोर। जर्म पोर क्या है, इट इज नेचुरल गैप, ये नेचुरल गैप है प्रेजेंट इन द एग्जाइम। ठीक है, एंड द पॉलन ट्यूब एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब इस जर्म पोर से ही न्यूट्रिशन भी प्लांट लेता है। क्या न्यूट्रिशन लेगा, तो ऑक्सीजन लेगा, और क्या लेगा, एयर के रूप में ऑक्सीजन लेगा, और क्या लेगा, वाटर लेगा, और मिनरल्स यानी न्यूट्रिशन लेगा। कहाँ से लेगा, इसी जर्म पोर से। तो जर्म पोर का दो काम हो गया कि ये जर्म पॉलन ट्यूब को एक्सक्लूडेड करने के लिए जगह देता है, और दूसरा क्या है कि ये इसको ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, मिनरल और वाटर देने का काम करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. ठीक है, अब इसी लेक्चर का अगेन कंटिन्यूएशन होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तो आपके दो लेक्चर मैंने कर दिया. एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया आपका कि कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने जाना. अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इसका फेट क्या होगा. ये एग्जाइम, एंटाइम, जर्म पोर, ये जर्म पोर पोर जो है किस तरीके से पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट करेगा, पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट कहाँ से आएंगे, मेल गैमेट का क्या फेट होगा, ये हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.